नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Samsung Galaxy F15 5G versus Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो F15 5G में 6.3 इंच जबकि Note 13 Pro 5G में 6.34 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो F15 5G में 3.02 इंच जबकि Note 13 Pro 5G में 2.92 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि F15 5G से कम है। बात करें थिकनेस की तो F15 5G में 0.37 इंच जबकि Note 13 Pro 5G में 0.31 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो F15 5G में 217 ग्राम्स जबकि Note 13 Pro 5G में 187 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है। चलिए अब हम डिस्प्ले की तुलना करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो F15 5G में सुपर AMOLED जबकि Note 13 Pro 5G में OLED की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो F15 5G में 19:5:9 जबकि Note 13 Pro 5G में 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो F15 5G में 6.5 इंचेस जबकि Note 13 Pro 5G में 6.67 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन F15 5G में 1080x2340px FHD+ और Note 13 Pro 5G में 1220x2712 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो F15 5G में 84.17% जबकि Note 13 Pro 5G में 89.86% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो F15 5G में 396 पिक्सल प्रति इंच जबकि Note 13 Pro 5G में 446 पिक्सल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो F15 5G में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। और Note 13 Pro 5G की बात करें तो इसमें भी हमें 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो F15 5G में 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और Note 13 Pro 5G की बात करें तो उसमें 13 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो F15 5G में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं और Note 13 Pro 5G में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 5 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU और RAM की जानकारी देखेंगे। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो F15 5G में Mali G57 MC2 जबकि Note 13 Pro 5G में Adreno 710 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो F15 5G में MediaTek Dimensity 6100 Plus और Note 13 Pro 5G में Qualcomm Snapdragon 7S Gen 2 मिलता है। बात करें RAM की तो F15 5G में 3 ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसमें 4GB, 6GB, 8GB की RAM मिलती है, जबकि Note 13 Pro 5G में 2 ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसमें 8GB, 12GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो F15 5G में 128GB की स्टोरेज मिलती है, जबकि Note 13 Pro 5G में 2 विकल्प देखने को मिलता है, जिसमें 128GB, 256GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी की बात करें तो F15 5G में अप टू 1TB जबकि Note 13 Pro 5G में नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो F15 5G में Android V14 जबकि Note 13 Pro 5G में Android V13 देखने को मिलती है। बैटरी F15 5G में 6000
mAh जबकि Note 13 Pro 5G में 5100 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 3 कलर्स ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो F15 5G में 3 वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 4GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 13,499 रुपीस, 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 14,999 रुपीस, 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 15,999 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें Note 13 Pro 5G की तो उसमें 3 वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 17,230 रुपीस, 8GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ 27,999 रुपीस, 12GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ 29,999 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की तो Samsung Galaxy F15 5G में 7 फायदे और 6 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G की तो उसमें 8 फायदे और 6 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है। मेन कैमरा में Note 13 Pro 5G आगे है। फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है। परफॉर्मेंस में दोनों फोन सेम ही है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Vivo Y200 Pro 5G है, दूसरा Oppo K12X 5G है, तीसरा Motorola Edge 50 Fusion 5G है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Realme GT60 5G है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्रिय दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।